आज हम बात करने जा रहे हैं सुपरस्टार रजनीकांत और अक्षय कुमार की आने वाली बहुत ही चर्चित फिल्म रोबोट 2.0 के बारे में। रोबोट 2.0 2010 की फिल्म रोबोट का दूसरा भाग है। ये फिल्म इस साल 2018 में रिलीज होने वाली है। तो आज मैं आपको रोबोट 2.0 के बारे में 10 बड़े ही दिलचस्प फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। 10 सूत्रों के मुताबिक रजनीकांत इस फिल्म में एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 किरदार निभाने वाले हैं। जी हाँ, रजनीकांत इस फिल्म में एक वैज्ञानिक, एक रोबोट, 2 बौनों और एक बुरे आदमी का किरदार निभाने वाले हैं। लेकिन यही नहीं, अक्षय कुमार के फैंस के लिए भी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि उनके पसंदीदा एक्टर अक्षय भी इस फिल्म में 4-5 नहीं बल्कि पूरे 12 किरदार निभाने वाले हैं। अक्षय कुमार के राक्षस वाले लुक के मेकओवर में पूरे 3 घंटे का समय लगता था, जिसके लिए अक्षय को सेट पर जल्दी आना पड़ता था। 9 इस फिल्म में अभिनेत्री एमी जैक्सन है। एमी इस फिल्म में रजनीकांत के सामने मुख्य भूमिका निभा रही हैं। उनकी पिछली फिल्म आई थी, जिसे रोबोट के निर्माता शंकर ने ही डायरेक्ट किया था। हालांकि फिल्म के डायरेक्टर ने ये नहीं बताया कि इस फिल्म में एमी कौन सा रोल निभाने वाली हैं, लेकिन दुबई में एक लॉन्च के दौरान निर्माताओं ने एक फोटो शेयर किया था, जिसमें एमी और रजनीकांत एक दूसरे के सामने खड़े थे। इस फोटो में एमी रोबोट वाले लुक में दिखी, जिससे ये संभव है कि एमी इस फिल्म में रोबोट का रोल निभा रही हैं। सूत्रों के अनुसार ये भी हो सकता है कि फिल्म में एमी और रोबोट चिट्टी के बीच रोमांस दिखाया जा सकता है। 8 अब इन सारे किरदारों के लुक्स को छिपा कर रखने के लिए फिल्म के सेट पर सुरक्षा का काफी ध्यान रखा जा रहा है, ये तक कि वहाँ काम करने वाले लोगों को सेट पर अपना मोबाइल फोन भी लाने की अनुमति नहीं है और उन्हें बाहर किसी से इस फिल्म के बारे में बात करने की अनुमति नहीं है। लेकिन कुछ कारणों से अक्षय कुमार के लुक की एक फोटो लीक हो गई थी। 7 फिल्म के साउंड ट्रैक में 5 गाने हैं जो कि एआर रहमान द्वारा बनाए गए हैं। वे कहते हैं कि इस फिल्म के लिए म्यूजिक देना काफी मुश्किल था। उन्होंने कहा कि 2.0 के संगीत के साथ वे भारत और दुनिया के लिए अद्वितीय बनाने की कोशिश कर रहा है। इस फिल्म का एक गाना यूक्रेन में शूट होने वाला था, लेकिन रजनीकांत की तबीयत की वजह से वहां नहीं जा सके, तो इसके लिए फिल्म के निर्माताओं ने भारत में ही VFX की मदद से यूक्रेन को चित्रित किया और पूरे गाने को उसकी सहायता से बनाया गया। इस फिल्म के गानों में VFX का काफी इस्तेमाल किया गया है, जो गानों को अनोखा और मनमोहक बनाएंगे। फिल्म के डायरेक्टर के अनुसार इस फिल्म के काफी भाग निकले जा सकते हैं, क्योंकि उनके अनुसार ये एक साइंस फिक्शन फिल्म है, जिससे कि इसमें और काफी कुछ नया और अनोखा बनाया जा सकता है। 6 जबकि कई लोग इस फिल्म को रोबोट 2 के नाम से जान रहे हैं, हमने जाना कि वास्तव में रोबोट 2.0 है। ये नया नाम काफी दिलचस्प है, क्योंकि ये फिल्म में रजनी के रोबोट चिट्टी के लिए उन्नत रूप का सुझाव दे सकता है। हालांकि कुछ सूत्रों से ये पता चला कि निर्माताओं ने इस फिल्म का नाम रोबोट 2 रखने का सोचा था, लेकिन इसमें कुछ कानूनी दिक्कत थी, जिसकी वजह से उसका नाम रोबोट 2.0 रखा गया, जो कि थोड़ा ट्रेंडी है। 5 ये फिल्म मूल रूप से 2010 के हिट एंथिरन, हिंदी में रोबोट और तेलुगु में रोबो में का दूसरा हिस्सा है, जिसने 2 इंडियन नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स और 2 स्क्रीन अवार्ड्स जीते। रजनीकांत डॉक्टर वैसेगर और चिट्टी के रूप में दोहरी भूमिका में नजर आएंगे, जबकि अक्षय कुमार प्रतिद्वंद्वी डॉक्टर रिचर्ड की भूमिका निभा रहे हैं और एमी जैक्सन एक फीमेल रोबोट का किरदार निभाने वाली हैं। 4 आमतौर पर फिल्में पहले 2D में शूट होती हैं, फिर उसे 3D में बदला जाता है, लेकिन वे भारत की ऐसी पहली फिल्म है जो सीधे 3D में शूट हुई है। इस फिल्म का क्लाइमैक्स नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और बाकी चेन्नई के EVP फिल्म सिटी में शूट हुआ है। इस फिल्म में भविष्य की भावना देने के प्रयास में इसकी लागत काफी बढ़ गई है। इस फिल्म को 15 अलग अलग भाषाओं में रिलीज किया जाने वाला है। ये फिल्म हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल के अलावा यह फिल्म चीनी, जापानी और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में डब होने वाली है। ये पहली ऐसी क्षेत्रीय फिल्म है जो इतनी भाषाओं में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में डबिंग को 3 महीने का लंबे समय लगा है। 3 रोबोट 2.0 में पहले तो हॉलीवुड अभिनेता आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को इस फिल्म में लेने का सोचा था, लेकिन वे काफी ज्यादा फीस की डिमांड कर रहे हैं, जिसके कारण फिल्म के निर्माताओं ने उन्हें लेने से इनकार किया। बाद में निर्माताओं ने उनकी जगह अक्षय कुमार को ले लिया। कमल हसन, आमिर खान और विक्रम को भी इस फिल्म का हिस्सा बनाने का ऑफर दिया गया था,
लेकिन तीनों ने ही इसके लिए ना कहा था। अब इस फिल्म में रजनीकांत, अक्षय कुमार और एमी जैक्सन लीड रोल निभाने वाले हैं। दो, इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स को 1100 करोड़ की भारी राशि में बेचा गया है। सूत्रों के अनुसार जी टीवी ने रोबोट 2 के हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम समेत सभी वर्जन के सैटेलाइट राइट्स को खरीद लिया है। अब तक किसी भी क्षेत्रीय फिल्म के सैटेलाइट राइट्स के लिए इतनी भारी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इससे पहले बाहुबली 2 के सैटेलाइट राइट्स को 100 करोड़ में बेचा गया था, लेकिन रोबोट 2 ने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। एक, रोबोट 2.0 बॉलीवुड की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है और एशिया की दूसरी सबसे महंगी फिल्म है। ये फिल्म 400 करोड़ के बजट में बनाई गई है। इसका कारण ये है कि इस फिल्म के स्टंट सीक्वेंस के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय टेक्नीशियंस और विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। इस फिल्म में रजनीकांत और अक्षय की एक रोमांचक लड़ाई के सीन को ही 20 करोड़ का खर्चा आया है। इस फिल्म में VFX का काफी इस्तेमाल हुआ है, जिसमें काफी खर्च आता है। अक्षय कुमार के राक्षस वाले लुक का मेकओवर हॉलीवुड के मेकअप आर्टिस्ट सीन फुट ने किया है, जिनकी फीस करोड़ों में है। इस फिल्म के मार्केटिंग में ही 40 करोड़ का खर्चा आया है। पहले बाहुबली 2 बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म थी, जो कि 250 करोड़ के बजट में बनी थी, लेकिन अब रोबोट 2.0 को 400 करोड़ के बजट में बनाया गया है, जिससे कि अब रोबोट 2.0 ने बाहुबली 2 को पीछे छोड़ दिया है और बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म बन गई है। तो ये थे रोबोट 2.0 के बारे में कुछ दिलचस्प फैक्ट्स। दोस्तों, हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही दिलचस्प बातों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।